सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। 6D के संबंध में आया निदेशक महोदय का आदेश, 6D में नियम विरुद्ध हुआ चयन, नियुक्ति हो ही होगी उसके चयन का आधार अतिरिक्त योग्यता से नहीं होगा स्टाफिंग पैटर्न। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में 6D यानी 6-3 चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी डिस्ट्रिक्ट की सभी जिले की जो चयन सूची है वो भी जारी हो रही है लगातार, लेकिन इसी के संबंध में निदेशक महोदय का एक और बड़ा आदेश सामने आया है जो आप सभी के लिए अति आवश्यक है जानना। उसमें ये बताया गया है कि जो चयन का आधार है 6D में चयन का आधार व्यक्ति की नियुक्ति की जो योग्यता है वही रहेगा। यह है वो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश, प्रारंभिक शिक्षा की ओर से जारी किया गया है और विषय है 6D में नियम विरुद्ध हुए चयन को निरस्त करवाने बाबत। अब यहाँ पे जो मोस्टली बात है किसी ऋतु स्वामी प्रार्थिया का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय देशनोक ग्रामीण में लगी हुई है। उनका चयन गलत कैसे हुआ है उसके बारे में आपको बता दें कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक क्रम में लेख है कि प्रार्थिया ऋतु स्वामी अध्यापिका राजकीय प्राथमिक देशनोक ग्रामीण ने एक प्रार्थना प्रस्तुत कर निर्देश निवेदन किया है कि उसकी नियुक्ति लेवल 1 पर हुई थी। आप भी ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपके जिले में भी अगर ऐसा कोई प्रकरण आ रहा जाए सामने तो उनकी नियुक्ति यानी प्रार्थिया की नियुक्ति लेवल 1 पर हुई थी किंतु आप द्वारा उन्हें लेवल 2 अंग्रेजी मानते हुए 6D में चयन कर दिया गया, जबकि अंग्रेजी प्रार्थिया का अतिरिक्त विषय है। यानी कि अतिरिक्त विषय अगर आपके है तो अतिरिक्त विषय चयन का आधार नहीं रहेगा, चयन का आधार नियुक्ति ही रहेगी। जिस पद पर नियुक्ति हुई है उसी पद पर 6D होगी, यानी 6D में चयन नियुक्ति रहेगी। जिस पद पर व्यक्ति की नियुक्ति हुई है उसी पद पर उसी विषय में 6D में चयन किया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पे प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तो यहाँ निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को भी बताया है। और आप भी ध्यान में रखें कि नियुक्ति लेवल 1 पर हुई थी लेकिन उसको लेवल 2 अंग्रेजी मानते हुए 6D में उसका चयन कर दिया गया, लेकिन उसका विषय अंग्रेजी है तो अतिरिक्त था। इसके संबंध में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद पत्रांक 24/23/13/6/2016 के बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट है उल्लेख है कि विभागीय पत्रांक 16/4/16/6/6/16 के संदर्भ में कि शिक्षक के लेवल का निर्धारण उसकी नियुक्ति होगी, यानी शिक्षक का लेवल कैसा है किस पद पर है तो उसकी नियुक्ति किस पद पर हुई है वही उसका आधार रहेगी। यानी उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि शिक्षक की नियुक्ति लेवल 1 में हुई है और वह नियुक्ति से पूर्व में या नियुक्ति के पश्चात बीएड की अर्हता रखता है तो भी उसे लेवल 1 का ही माना जाएगा, यानी जिस पद पर नियुक्ति हुई है उसी पद का माना जाएगा, किसी भी प्रकार से अतिरिक्त योग्यता डिग्री को उसके लेवल का आधार स्टाफिंग पैटर्न में नहीं माना जाएगा। जब भी स्टाफिंग पैटर्न होगा या 6D होगी या 6-3 होगी तो उसका आधार है नियुक्ति का नियुक्ति ही रहेगी, अतिरिक्त योग्यता उसकी उसका आधार स्टाफिंग पैटर्न का नहीं माना जाएगा। अतिरिक्त योग्यता कार्मिक की सेवा पुस्तिका में जरूर दर्ज होगी तथा वह नियमानुसार होने वाले DPC में पदोन्नत के लिए मान्य होगी, अर्थात जो अतिरिक्त योग्यता है वो DPC में मान्य होगी लेकिन 6D में या 6-3 में मान्य नहीं होगी। 6-3 में सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति किस पद पर हुई है उसी पद से चयन किया जा सकेगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।